अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वरकातुहू। फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास टेंथ के दरक्षा उर्दू का जो दूसरा चैप्टर है, जो कि सुहेल अजीम आबादी से रिलेटेड हैं, भाभी जान चैप्टर से रिलेटेड हैं, उनमें जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं ऑब्जेक्टिव, सारे क्वेश्चनों को मैं आपको कराएगा। और इसके साथ साथ में जो है कि आपको ढेर सारे जो है कि क्वेश्चंस और भी दिगर बताएगा, ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो पाएँ। और उर्दू के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, सारे क्वेश्चन में करा देगा। इससे पहले वीडियो में मैं आपको लेसन नंबर वन यानी हमद खुदा अजवजल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते थे, सारे क्वेश्चनों को मैं आपको करा दिया हूँ। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में जो कि हिस्सा नसर से रिलेटेड है, और मतलब कि आपका जो लेसन नंबर दो है भाभी जान सुहेल अजीम आबादी, ये जो है कि इससे मैं आपको क्वेश्चन करा देगा। क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको ये सारे के सारे जो कि पढ़ के बताएगा सुहेल अजीम आबादी के बारे में, और इसमें जो जो इम्पोर्टेंस है उसको नोट करने के लिए कहेगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है? तो पहले पढ़ेंगे, फिर मैं आपको क्वेश्चंस कराएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि सुहेल अजीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। तो ये जो सैयद मुजीबुर रहमान है, ये सुहेल अजीम आबादी का असल नाम है, ठीक है? तो सुहेल अजीम आबादी जो है ये बाद में पढ़ा, लेकिन उसका जो रियल नाम है वो है सैयद मुजीबुर रहमान, ठीक है? वह इब्तिदा में शायरी भी करते थे, इसलिए सुहेल तखलुस करते थे, ठीक है? जो शायरी करते हैं एक तरीके से हम लोग उसको तखलुस भी कहते हैं, ठीक है? चलिए, जिसको जिसको मैं रेड किया हूँ उसको आप लोग नोट कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है? लेकिन जब अफसाने की तरफ माइल हुए तो उसी के होकर रह गए, और अदबी दुनिया में सुहेल अजीम आबादी के नाम से मशहूर हुए। यानी बाद में जो है उसको जो है सुहेल अजीम आबादी के नाम से मशहूर हुआ, फेमस हुआ। पहले उसका नाम सैयद मुजीबुर रहमान था। सुहेल की पैदाइश 1911 ईस्वी में पटना में हुई, ठीक है? उनका ताल्लुक एक जमींदार खानदान से था। एक साल की उम्र में वालिदा का इंतकाल हो गया, यानी सुहेल अजीम आबादी के जो वालिदा हैं उनका इंतकाल जो है एक साल की उम्र में ही हो गया था, और नौनिहाल में परवरिश हुई, ठीक है? चलिए, एक उस्ताद की सरपरस्ती में इब्तदाई तालीम और तरबियत हासिल किया। वैसे उनका आबाई वतन शाहपुर भदौल है, जो पटना ज़िला में वाक़ है। यानी उसका जो आबाई वतन जिसे समझा जाता है, जो उसका घर हुआ, वो आपका शाहपुर भदौल है, जो कि पटना ज़िला में वाक़ है। पटना ज़िला में जो है कि ये स्थित है। उसके बाद आगे देखिए कि आगे चलकर गर्चे मुजफ्फरपुर, हैदराबाद और कोलकाता जैसे इल्मी मराकज पर क़याम पज़ीर है, लेकिन इफ्ताद में तबाह की वजह से आला तालीम हासिल नहीं कर सके, ठीक है? तो ये उनके बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं, और थोड़ा सा मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करा दूंगा, ठीक है? सुहेल अजीम आबादी ने अफसाना निगार के साथ ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजिमत अख्तियार की। इस सिलसिले में दिल्ली में रहे, फिर उनका तबादला कश्मीर हो गया, ठीक है? वहां से जो आगे चल करके उसको जो तबादला हुआ वो कश्मीर हो गया। फिर पटना वापस चले आए, उसके बाद पटना आ गया और मुलाजिमत से इस्तीफा दिया। उन्होंने सहानत भी किया और रिसाले जारी किए, और साथी के नाम से रोज़ाना एक अखबार भी निकाला। गोया वह जिंदगी भर उर्दू की तुरुज व शाअत में मसरूफ रहे। उर्दू में उनका जो है बहुत बड़ा हाथ था। चुनांचे उन्होंने छोटा गचूर के इलाके में 5-7 सालों तक उर्दू की तरवीज इशात का काम किया। जमींदाराना माहौल से ताल्लुक और छोटा नागपुर के क़याम ने उनके अफसानों के मौजूआत मुतय्यन कर दिए। उनकी अक्सर व बेशतर अफसाने जमींदारों के इस्तिहसाल के खिलाफ, मजदूरों और कमज़ोर तबकों के हकूक से मुतालिक उनके मौजूआत हैं। यानी उन्होंने जो कहानी जो लिखी हैं, जो किताबें जो उन्होंने लिखी हैं, ज़्यादातर जो है कि ज़मींदारों के इस्तेहसाल के खिलाफ, मज़दूरों के हक में, कमज़ोरों के हक में उन्होंने बहुत सारी किताबें मौजूआत लिखी हैं। सुहेल अजीम आबादी के तख्लीक़ात में 3 अफसाने मजमू हैं, यानी उन्होंने जो 3 अफसाने मजमूए लिखे हैं उनमें से एक है अलाव, 4 चेहरे और आदमी के रूप, ये किताब उसके इसमें शामिल हैं। और एक नावल भी है जिसका नाम है बेजड़ के पौधे, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन्हें आप देख लेंगे, ठीक है? इन मजमूए के अलावा सुहेल अजीम आबादी के अफसानों की तादाद 125 हैं,
ये तो लिखी हैं, इनके साथ साथ में 125 और अफसानों की किताबें उन्होंने लिखी हैं। और 1980 ईस्वी में सुहेल आजिम आबादी का इंतकाल हो गया। ये डेट ऑफ जो है उनका लिख लेंगे और याद कर लेंगे कि उनका जो इंतकाल का डेट है वो है आपको 1980 ईस्वी, ठीक है, 1980 ईस्वी। तो ये मैंने आपको सुहेल आजिम आबादी के बारे में आपको बताया, विस्तार से बताया, अच्छी तरीके से आपको समझाया। अब आइए इसी से रिलेटेड जो है कुछ मारूजी सवालात को मैं हल कर लेता हूँ और आपको समझाता हूँ। देखिए सवाल है आपका कि सुहेल आजिम आबादी के बचपन का नाम क्या था। तो जैसे कि आपने पढ़ा कि बचपन का नाम क्या था, मुजीबुर रहमान या फिर हबीबुर रहमान या फिर कलीमुद्दीन या फिर अजीमुर रहमान। तो भैया एक नंबर सही होगा ना, मुजीबुर रहमान। सुहेल आजिम आबादी के बचपन का नाम क्या था, तो मुजीबुर रहमान था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सुहेल आजिम आबादी की पैदाइश कब हुई। तो उसकी पैदाइश कब हुई, तो उसकी जो पैदाइश है दोस्तों वो आपका 1911 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1911 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका सामने में कि सुहेल आजिम आबादी के पहले अफसाने मजमू का नाम क्या है, यानी जो उन्होंने जो पहला अफसाना की किताब लिखा है तो उनका नाम क्या है। तो तिनको का सहारा, डायन या फिर दर्पण या फिर चार चेहरे। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी चार चेहरे मैं आपको बताया ना अभी आपको, ठीक है। अगला सवाल है कि सुहेल आजिम आबादी का इंतकाल कब हुआ। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि उसका जो इंतकाल है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर आपका 1980, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 1980 ईस्वी में हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने में कि सुहेल आजिम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, यानी सुहेल आजिम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, कौन सी किताबें उन्होंने लिखी हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी भाभी जान, ठीक है। चलिए मुख्तसर तरीन सवालात हैं दोस्तों, मैं आपको करा देता हूँ। सवाल कर रहा अगला 6 में कि सुहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुई है। तो सुहेल अजीम आबादी पटना में पैदा हुई है ना, जिला का नाम नहीं पूछा, सिर्फ पूछा कहाँ पैदा हुई, तो पटना में पैदा हुई है आप बोल देंगे, हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने में कि सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था। तो बचपन का नाम मुजीबुर रहमान था, आपने अभी पढ़ा है। अगला सवाल आपके सामने में कि सुहेल अजीम आबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का नाम क्या था और वह किस साल शाये हुआ। तो पहले अफसाने मजमुए का नाम क्या था भैया, चार चेहरा। क्या था, चार चेहरा। और वो कब शाये हुआ था, तो 1934 ईस्वी में शाये हुआ था, ठीक है। अब अगला सवाल आपके सामने में कि सुहेल आजिम आबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हुई है। तो सुहेल आजिम आबादी की इब्तदाई तालीम जो हुई है भदौली गांव में हुई है। कहाँ, भदौली गांव के मदरसा में हुई है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल आपके सामने में कि रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है, एक कहानी है आपका भाभी जान का जो चैप्टर है उन्होंने जो लिखा है सुहेल आजिम आबादी है, तो उस भाभी जान चैप्टर में जो रुकैया भाभी हैं, तो रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए उस विस्तार से मैं आपको बता देता हूँ, इसको आपको समझना चाहिए, समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम अख्तर था। क्या नाम था, अख्तर था, ठीक है। तो अख्तर का किरदार बहुत ही मुस्बत बामाना किरदार है, यानी उन्होंने जो उस कहानी में जो अपना किरदार दिखाया है भाभी जान चैप्टर में वो बहुत ही बामाना है, बहुत ही अच्छा है। अख्तर के किरदार के जरिए ही रुकैया भाभी का किरदार नुमाया होता है और उसी किरदार के सहारे कहानी भी इर्तिका पजीर होती है। अख्तर के किरदार ने दरअसल रुकैया भाभी के किरदार में इंसानी पहलुओं को उजागर किया है उस चैप्टर में, ठीक है। तो ये इस प्रकार से था। अब अगला है आपके सामने में कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था। तो बार बार मतलब वो जो भाभी जो चैप्टर मतलब कि भाभी जान जो चैप्टर है जो सुहेल अजीम आबादी ने जो लिखा है, तो उस कहानी के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें है कि रुकैया भाभी को जो है रुकैया भाभी के जो शौहर हैं उनको बार बार जेल जाना पड़ता था। तो किस वजह से जाना पड़ता था, आइए समझते हैं। तो रुकैया भाभी के शौहर को बार बार इसलिए जेल जाना पड़ता था ताकि उन्हें सियासत से काफ़ी दिलचस्पी थी, सियासत से उन्हें उन्हें काफ़ी दिलचस्पी थी। और सियासत क्या करते थे, तो इस वक्त तहरीक आज़ादी ज़ोरों पर चल रही थी। रुकैया भाभी जान के शौहर पर कई सियासी मुकदमे चल रहे थे, ठीक। किसी मुकदमा में 2 साल की सज़ा हो गई, जेल जाना पड़ गया और उसमें जेल चले गए। और 2 सालों के बाद जब वो वहाँ से रिहाई मिली और वहाँ से वापस आए तो मालूम हुआ कि किसी दूसरे मुकदमे में उन्हें 3 साल की सज़ा हो गई। बताइए, यानी एक जेल से छूट के आया फिर पता चला कि फिर और किसी मुकदमे फिर उन्हें जो है कि 3 साल की सज़ा हो गई। तो यही वजह थी कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल जाना पड़ता था। बात क्लियर है,
अब अगला सवाल आपके सामने में कि रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों। तो रुकैया भाभी शिमी नाम की लड़की थी और उसी की जो है कि तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी, ठीक है, इसलिए कि शिमी बहुत गरीब लड़की थी और उसे जो है पढ़ने का शौक़ था, बहुत ज़्यादा शौक़ था और बहुत ही मतलब कि जहन भी था वो, है ना। लेकिन गुर्बत की वजह से वालिदैन जो है उसकी तालीम का खर्च बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, यानी गुर्बत का मतलब होता गरीबी, है ना। इसलिए रुकैया भाभी जो कॉलेज में लेक्चरर थी उन्होंने शमी के तालीम का खर्च अपने जिम्मा लिया ले लिया। इस तरह दूसरे हाजतमंदों की मदद भी क्या करती थी इस प्रकार से, ठीक है। चलिए जी, अब अगला प्रश्न आपके सामने में कि रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करवाना पड़ा था। तो रुकैया भाभी क्यों करवाना पड़ा था, तो रुकैया भाभी ने अपने सोने की चूड़ियों को इसलिए बेच दिया था कि एक गरीब लड़की शम्मी जो उनके कॉलेज में पढ़ती थी और उस लड़की के तमाम तर तालीमी अखराजात रुकैया भाभी बर्दाश्त किया करती थी। एक दिन वही लड़की, है ना, रुकैया भाभी के सवाल समझिएगा, मैं पढ़ के समझा रहा हूँ आपको, पास आई और अश्क आलूद आंखों से सरापा बन गया, सरापा जो है सवाल बन गई। रुकैया भाभी के बार बार इसरार पर बोली कि भाभी जान कि एमए इम्तिहान का फॉर्म भरना है और कल आखिरी तारीख है। चुनांचे रुकैया भाभी ने शमी के भाई को तालीम करियर बनाने के लिए सोने की चूड़ियों को फरोख्त कर शमी को दे दिया इस प्रकार से, ठीक है। बहुत ही ज्यादा दयालु भी था वो। अब अगला प्रश्न आपके सामने में कि रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती तो अपना शौक पूरा करने के लिए कौन सा काम क्या करती थी। यानी रुकैया भाभी को जब काम से फुर्सत मिलता तो फुर्सत के टाइम में, खाली टाइम में अपना शौक को पूरा करने के लिए वो कौन सा ऐसा काम करता था। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, आइए देखते हैं। रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती तो अपना शौक पूरा करने के लिए खत लिखने बैठ जाती। क्या करने बैठ जाती वो, खत लिखने बैठ जाती। और बहुत से लिखने वाले उनके खत को लिखते थे और खत में लिखने पढ़ने और मजमून निगारी से मुतालिक मशवरे तलब करते थे। रुकैया भाभी तमाम खतूत के जवाब पाबंदी से दिया करती थी। इसके अलावा कॉलेज में तदरीस के अलावा तुलबा उनसे ज़ाती हालात भी मालूम करती थी और जहाँ तक हो सकता उनमें उनकी जो है कि मदद क्या करती थी, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंस था कुछ क्वेश्चन सुहेल अजीम आबादी से रिलेटेड, जो कि कराना बहुत ही मुनासिब समझा हूँ। आई होप आप लोग बहुत ही आनंदित होकर के इस क्लास को इंजॉय किए होंगे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएंगे, डिस्कस करेंगे और सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करने को कहेंगे और इस चैनल से जुड़ने के लिए कहेंगे। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। धन्यवाद।